Hi dosto, this is Jay, your English tutor. Last video मैंने आपको पढ़ाया था sentence के प्रकार, sentence कितने types के होते हैं, और इस video में अब मैं उनके एक-एक types को explain करूँगा, जैसे कि sentence की definition क्या है, simple sentence की definition क्या है, compound की क्या है, complex की क्या है. So let's start my second video. So today we will discuss about the sentence. Sentence hota kya hai? Basically a group of words containing a subject and a predicate that makes a complete sense is called a sentence. It's called a sentence. Matlab शब्दों का कोई ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो और जिससे एक खास कोई सेंस निकलता हो, जिसका कोई अर्थ हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं. इसमें मैं तीन पॉइंट्स दिए हैं. सेंटेंस में क्या होना जरूरी है? इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन मेन क्लॉज. सेंटेंस के अंदर कम से कम एक मेन क्लॉज का होना बहुत जरूरी है. इट कैन कंटेन मोर देन वन क्लॉज, और ये एक से ज्यादा क्लॉज भी रख सकता है. इसके अंदर एक से ज्यादा क्लॉज भी हो सकती है. थर्ड पॉइंट इज इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होना जरूरी है. ठीक है, ओके. मैं आपको इससे एक डायग्राम बना के दिखाता हूं. सेंटेंस को मैं दो भागों में डिवाइड किया था. सब्जेक्ट और हियर प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. प्रेडिकेट क्या होता है? इट कंटेन्स एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब. इट कंटेन्स एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब. एग्जाम्पल, माय फादर लव्स गोइंग टू शिमला. My father loves going to Shimla. Here, this part is subject. This part is subject, and after the subject, the whole part is called predicate. And predicate contains a finite verb. मैं उम्मीद करता हूं अब आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा. सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है. पहला इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. प्रेडिकेट कंटेंस वन फाइनाइट वर्ब एंड सब्जेक्ट प्रेडिकेट एंड फाइनाइट वर्ब आपके सामने है. सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. सो नेक्स्ट पार्ट इज सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है अ सेंटेंस कंटेनिंग ऑफ ओनली वन क्लॉज विद अ सिंगल सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सिंपल सेंटेंस में सिर्फ
और सिर्फ एक क्लॉज होती है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और जिसका एक प्रेडिकेट होता है. ओके इसमें मैंने दो पॉइंट्स बनाए हैं. पॉइंट्स में इट मस्ट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. सेंटेंस का अंदर एक कंप्लीट थॉट होना चाहिए, यानी वो एक कंप्लीट सेंस दे आपको, मीनिंग दे, अर्थ. ओके नेक्स्ट इज इट इज ऑल्सो नॉन एज इंडिपेंडेंट क्लॉज. और सिंपल सेंटेंस को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं. ओके एग्जाम्पल मैं देता हूं एक. ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज सब्जेक्ट एंड इज गोइंग टू स्कूल प्रेडिकेट. इट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. सो अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा असर्टिव, असर्टिव सेंटेंसेस. सो हियर इज असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? एन असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट स्टेट्स फैक्ट, इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियन. मतलब असर्टिव सेंटेंस को एक तो हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं. ओके और ये सेंटेंस होता क्या है? इसमें किसी भी इंफॉर्मेशन, सूचना या विचार या तथ्यों का खुलासा करते हैं. ओके सो असर्टिव सेंटेंस जैसा हमने पहले पढ़ा था, असर्टिव सेंटेंस को हमने दो भागों में बांटा था. फर्स्ट वॉज व्हाट? अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकेंड इज नेगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. एग्जाम्पल माय फादर स्टार्टेड अ बिजनेस. माय फादर स्टार्टेड अ बिजनेस, ये हमको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है. ओके दैट इज अफर्मेटिव. नेक्स्ट इज You are not in my team. ये भी एक इंफॉर्मेशन है, बट यहां नॉट का पुट किया. इट मीन दैट इज नेगेटिव साइन. यू आर नॉट इन माई टीम, इट मीन आप मेरी टीम में नहीं हो. ओके गाइज आई थिंक आपको यह समझ में आ गया है. तो उसका नेक्स्ट पार्ट असर्टिव के बाद आता है हमारा इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव सेंटेंस के आते हैं. ओके सो नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव होता क्या है? एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन एंड इट ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है और जिसके अंत में एक क्वेश्चन मार्क आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह. इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी दो भागों में बांटा गया है. जो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं एक बार, पहला सा पार्ट होता है यस नो टाइप, जिसको हम फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव भी कह देते हैं. और दूसरा इसमें होता है डब्ल्यू एच फैमिली, जिसको हम सेकंड टाइप भी कह देते हैं. अच्छा यहां पर डब्ल्यू एच फैमिली क्यों बोलते हैं? डब्ल्यू एच फैमिली इसको हम इसलिए बोलते हैं, जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो डब्ल्यू एच से या फिर एच से स्टार्ट होते हैं. एच से हाउ, ओनली सिंगल वर्ड इज हियर एंड ऑल द वर्ड्स आर स्टार्टेड विद डब्ल्यू एच. ओके जैसे कि वेयर, व्हेन, हाउ, हु. ओके सो यस नो टाइप सेंटेंस क्या होता है? यस नो टाइप सेंटेंस वो होता है जिसके हिंदी वाक्य में स्टार्टिंग में क्या लग के आता है. ओके जिसका आंसर हम हाँ या ना में देते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं यस नो टाइप. हाँ या ना, इट मीन्स इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, यस नो टाइप. और जहां हमें किसी भी सेंटेंस, किसी भी क्वेश्चन का एक पूरा स्टेटमेंट सुनाना हो, उसको एक्सप्लेन करना, उसका रीजन देना, तो वो कहलाता है हमारा
WH family. Example, do you like me? Do you like me? क्या आप मुझे पसंद करते हो? अब यहां इसका आंसर होगा हाँ या ना, yes I like you, no I don't like you. Okay, suppose it आंसर आया I don't like you. Then WS question क्या बनता है इसका? Why do you not like me? Why do you not like me? This is WH family question word and this is question mark. This is also question mark. It means both sentences are interrogative. दोनों ही सेंटेंस हमारे इंटरोगेटिव है और दोनों ही सेंटेंस के लास्ट में मीन्स एंड्स होते हैं हमारे क्वेश्चन मार्क से. ओके गाइस, सो उसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा इंटरोगेटिव के बाद इंपरेटिव सेंटेंस. तो इंपरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन है, इंपरेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू गिव कमांड, इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस, ऑर्डर और make a request. Basically they tell people what to do. Okay, imperative sentence मैंने पहले भी समझाया था, इसमें हम order, request, command इन सब चीजों का बताते हैं और इसमें आमतौर बताते हैं आगे करना क्या है. Okay, so the important part of this imperative sentence starts with verb first form. Action first form से start होता है and ends with full stop और ये full stop पर खत्म होता है. Example, come here, यहां आओ. Do not go there. Action first form starting, but do not please can be come before action first form. Okay, third form, third sentence. Prevent him from going there. उसको वहां जाने से रोको. तो ये था पूरा इंपरेटिव सेंटेंस और इसके जो आगे वाला पार्ट है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो लेट्स गो फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सो हियर इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ मेन क्लॉज. ये एक मेन क्लॉज का टाइप होता है दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सच एज एक्साइटमेंट और सैडनेस एंड इट ऑलवेज एंड्स विद एन एक्सक्लेमेटरी पॉइंट. ओके, जैसा मैंने पहले बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें दिल से डायरेक्टली कोई इमोशंस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती हैं और वो सैडनेस भी हो सकता है और एक्साइटमेंट भी हो सकता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में हमेशा एक्सक्लेमेटरी पॉइंट आता है या एक्सक्लेमेशन साइन आता है. ओके, इसके मैं एग्जांपल बता दूं आपको कुछ. फर्स्ट इज व्हाट आर ब्यूटीफुल बिल्डिंग. व्हाट आर ब्यूटीफुल बिल्डिंग एक्सक्लेमेशन साइन. कितनी सुंदर बिल्डिंग है. ओके, सेकंड इज Hurrah! My brother has won the match. Hurrah! यहाँ पर hurrah एक exclamatory word है जहां पर हमारा exclamation sign हमने use किया है. My brother has won the match. यहाँ पर excitement है, खुशी है जो direct एकदम दिल से आती है. Okay? Third is alas, दुख.
sadness. I have lost everything. Alas, I have lost everything. मेरा सब कुछ लूट गया. तो ये था हमारा exclamatory sentence. इसके बाद जो हमारा last type था simple sentence का वो था optative, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ. Okay? So optative sentence. An optative sentence is used to express prayer, wish or curse. Okay. The point is, optative sentence also ends with an exclamatory point. यानी कि optative sentence के last में भी एक exclamatory point आता है. इसके example मैं देता हूं आपको. May king live long. King जो राजा है हमारी लंबी उम्र जिए, दीर्घायु हो उसकी. सेकेंड एग्जाम्पल है मे गॉड स्पॉइल योर लाइफ. भगवान आपकी लाइफ तबाह कर दे. मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन. भगवान तुम्हें एक पुत्र दे. मे किंग लिव लॉन्ग, दिस इज प्रेयर विश. मे गॉड स्पॉइल योर लाइफ, दिस इज कर्स. कर्स मीन्स बद्दुआ. कर्स मीन्स बद्दुआ. यहां बद्दुआ देते हैं किसी को, गलत बैड विशेष देते हैं उसको. मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, भगवान तुम्हें एक पुत्र दे, जो कि हिंदुस्तान में बहुत ही बड़ी दुआ मानी जाती है. ओके, तो सिंपल सेंटेंस के पांच टाइप्स होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए. इसके बाद सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट था वो था कंपाउंड. मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अभी कंपाउंड की डेफिनेशन बताने वाला हूँ, आपके कंपाउंड होता क्या है. इन सभी सेंटेंस को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा. तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप कंटिन्यू बने रहना. तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? अ कंपाउंड सेंटेंस हैज एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड बाय कोमा, सेमीकोलन और कंजंक्शन. कोमा क्या होता है? कोमा ये होता है. सेमीकोलन क्या होता है? सेमीकोलन ही होता है. कोमा डॉट के नीचे कोमा. ओके, मीन्स कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कम से कम दो हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए, जो कि किसी कोमा के द्वारा जोड़ी जाती है या फिर किसी सेमीकोलन के द्वारा जोड़ी जाती है या फिर कोई कंजंक्शन यूज कर लेते हैं. कंपाउंड सेंटेंस में बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं जो मैं आपको बाद में कंपाउंड जब कंप्लीट पढ़ाऊंगा तो उसमें सिखाऊंगा डिटेल्स में. ओके, नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स एंड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना जरूरी है, विद एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, जिसके अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज भी होनी जरूरी है, एक से ज्यादा भी हो सकती है. ओके, इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस द इंडिपेंडेंट क्लॉज शेयर्स द मेन इंफॉर्मेशन. मतलब जो हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उसके अंदर मेन इंफॉर्मेशन होती है. इट मीन्स वो एक क्वेश्चन पूछ रही है हमसे कुछ. ओके, ठीक है. एंड द डिपेंडेंट क्लॉज, जिसके बाद जो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज होती है या क्लॉजिस, एक से ज्यादा क्लॉजिस होती है, प्रोवाइड डिटेल्स. वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के द्वारा पूछे गए सवाल या शेयर की गई इंफॉर्मेशन का उत्तर या डिटेल्स प्रोवाइड कराती है. ओके, तो यहां मैंने आपको एक सेंटेंस के तीन प्रकार और उसमें सिंपल सेंटेंस के पांच प्रकार डिफाइन कर दिए हैं पूरी तरह से. ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो आपको समझ में नहीं आया. प्लीज कमेंट करना और लाइक करना, हो सके तो वीडियोस को शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत. और हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर
अवश्य क्लिक करना. सो आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.